और 9 सेकंड न्यूज में आसमान से बरसती आफत से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा भी बढ़ा। सोलन, शिमला और सिरमौर में बाढ़ के लिए अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमीन खिसकने से दहशत, हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ते बंद। प्रशासन की टीम ने रास्ते को खोलने का काम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आफत बनी बारिश, नदी नाले उफान पर, चुराह में जान जोखिम में डालकर पानी की तेज लहरों के बीच स्कूल जाते दिखाई दिए बच्चे। नदी पार करने का नहीं है कोई इंतजाम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही, तीन गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से तबाह, कई घरों में दरार पड़ने का खतरा, इलाके में लोग दहशत में। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन से पानी में तैरते शहर की ली गई तस्वीरें, शहर के गली मोहल्लों तक घुसा पानी, हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। गुजरात के छोटा उदयपुर में 6 इंच बारिश से झील बनी सड़कें, मेन मार्केट से लेकर चौक चौराहों तक भरा लबालब पानी, सईद नगर सोसाइटी में दिखा तालाब जैसा मंजर। गुजरात के छोटा उदयपुर में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, और संग नदी का दिखा रौद्र रूप, कटान की वजह से किनारे खड़ा एक पेड़ देखते ही देखते नदी में समा गया। गुजरात के सूरत में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही, सूरत में निचले इलाकों में घुसा मिंधौला नदी का पानी, प्रशासन अलर्ट, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के बारडोली में भी बाढ़ जैसे हालात है, 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई, डीएम नगर में घुसा पानी, घरों में कैद हुए लोग, हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं दूसरे राज्यों में कैसे हैं बारिश और बाढ़ के हालात। राजस्थान के बूंदी में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, शहर के कोटा रोड, लंका गेट रोड, सदर बाजार में दिखा सैलाब, पुलिया पर पानी आने की वजह से स्यामू गांव का संपर्क तक टूट गया। राजस्थान के जयपुर में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात, शहरों और कस्बों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा, सड़कों पर जलभराव होने से आने जाने में लोगों को परेशानी। राजस्थान के जालौर में सुकड़ी नदी की तेज धार की अनदेखी पड़ी भारी, दो बाइक सवार नदी के तेज बहाव में बहे, आसपास के लोगों ने कड़ी मेहनत से दोनों को बचाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कई गांव में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर नाव चलाकर लोगों का किया गया रेस्क्यू, पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दादर और नगर हवेली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, कई इलाके पानी में डूबे, एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 22 लोगों की जान बचाई है, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का हो रहा है काम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में समुद्र के किनारे बहकर आई ब्लू व्हेल, विशाल मछली को देखने के लिए उमड़ी भीड़, कई लोग सेल्फी लेते भी दिखाई दिए। मूसलाधार बारिश के बाद यूपी के शहर मथुरा में बिगड़े हालात, बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर भरा पानी और कुछ घरों भी पानी की जद में आते हुए देखा गया, लोगों का आना जाना मुहाल हुआ। मध्य प्रदेश के देवास में उफंती नदी में बाइक समेत एक लड़का पानी के तेज बहाव में बहा, इलाके के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचाया, अलर्ट के बावजूद भी नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में बारिश का प्रहार, जगह जगह पानी भरने से बढ़ी लोगों की परेशानी, बाढ़ के हालात बनने के बाद जरूरी सामान की सप्लाई पर भी असर। ताइवान में डोक्सुरी तूफान ने मचाई तबाही, दो बड़े शहरों में स्कूल कॉलेज किए गए बंद, तेज हवा, भारी बारिश की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े, हजारों घरों में बिजली हुई गुल। डोक्सुरी तूफान की जद में आया चीन का बड़ा इलाका, फुजियाना प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान, बिगड़े हालात को देखते हुए लाखों घरों की काटी गई बिजली। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।